अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को बैतूल कलेक्ट्रेट में धरना दिया। शिक्षक विभागीय परीक्षा आयोजित कर उन्हें नियमित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। बता दें कि आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए। उन्होंने धरना देकर विभागीय परीक्षा आयोजित करने की मांग की। बता दें कि उनका कहना है कि वे 14-15 सालों से अतिथि शिक्षकों के तौर पर बहुत कम मानदेय में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज महंगाई की वजह से उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अतिथि शिक्षकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र भी पेश किया है। बहुत ज्यादा सर महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम परिवार का पालन पोषण इतने अल्प मानदेय में कैसे करें। हमारे को छुट्टियों का भी काट लिया जाता है, गर्मियों के 2 महीने का हमें बिना वेतन के हमारी पोस्ट चली जाती है, फिर नियुक्ति होती है। और इतनी आर्थिक तंगी में हम अपने बच्चों का लालन पोलन कैसे करें, उनका पोषण कैसे करें, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य समस्या, सभी चीज़ें रहती हैं। मामा जी हमसे पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूती दे, एक ऐसा सम्मान दे दिए जाए जिससे हम संतोषजनक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम काम अपनी पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं, अपने कर्तव्य पूरे जी जान से निभाते हैं, पर हमारी क्यों अनदेखी की जा रही है। कितना मानदेय अभी आपको? सर वर्ग 2 है मेरा, मेरे को 7,000 मिलते हैं, 7,000 भी पूरे नहीं मिलते सर। संडे वनडे की छुट्टियां जो रहती है उसका हमको नहीं मिलता है। आप क्या चाह रहे हैं, कितनी मांगे चाह रहे हैं? सर हमको 12 माह का कार्यकाल का दिया जाए, 62 वर्ष की आयु तक की नौकरी दी जाए, और हमारे को जैसे ट्रांसफर होके आते तो हमारे को हटा दिया जाता, तो ये ना हो, हमारे पद को रिक्त ना माना जाए, हमारे पद को माना जाए कि ये व्यक्ति इस पे है, इसको खाली ना माने।